बात तो सुन, आखिर तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश कर रही है? मेरा हाथ छोड़ दो, तुम अपना फजूल में टाइम वेस्ट कर रही हो। नहीं, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे अंदर की वो बात जानना चाहती हूँ जो मैं नहीं जानती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे अंदर के जख्म देख सको? तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो सुन। सुल्तान बेटा उठो। उठो बेटा, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। ओहो, ये सुल्तान भी ना। बेटा उठो, बाबा उठो, रेडी हो जाओ, इस्लामाबाद जाना है आज हम लोगों। क्या इस्लामाबाद? याहू, इस्लामाबाद। मैं अपने बेटे को खुद नाश्ता कराऊंगा अपने हाथों से। मुंह खोलो। शाबाश बेटा, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसकी इबादत करें। अब तुम बड़े हो गए हो, नमाज तुम पर फर्ज है। जो इंसान नमाज पढ़ता है उससे अल्लाह और उसका रसूल खुश होते हैं। ओके बाबा, कर सकता हूं। मैं एक गिलास पानी। मोहसिन, एक गिलास पानी लाओ। ठीक हो तुम? कुछ नहीं हुआ। सुल्तान के सामने कोई बदमाशी करे, ये सुल्तान को पसंद नहीं है। बेटा अच्छे से नाश्ता कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है। पापा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस मुझे थोड़ा सा काम। मैं भी चलूँ पापा। चलो ठीक। नहीं करो बेटा, रख दो। शाबाश। ना करो बेटा सुल्तान, ना करो। रफीक इधर आओ। जी सर। जी सुल्तान को ले जाओ और जाके इसको आइसक्रीम ले जाओ। ओके सर। आओ बेटा सुल्तान। खान, जी सर। जी हम अपने बेटे सुल्तान के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, अगर कोई काम है तो बता दो। सर जी ये चेक बुक पे दस्तखत करके। चेक बुक पे दस्तखत? दो दिन पहले तो तुमने 20 लाख रुपए निकलवाए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें जो हर 2 दिन बाद पैसे मांग रहे हो? सर वो सर जी वो सर क्या वो लगा रखा है? मुझे सारे डिटेल चाहिए। गो एंड ब्रिंग द डिटेल्स। मूव। ओके ओके सर। कलीम साहब को तो पता चल गया है, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सोचना पड़ेगा। खान लगता है कलीम साहब का वक्त आ गया है, अब तू उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। अकेला कलीम साहब तेरा क्या करेगा, उसे खत्म ही कर दे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। कलीम साहब तुम अब कलमे पाड़ लो।
क्या 20 लाख को रो रहे हो? कलीम साहब 20-20 लाख लगा रखा है। हाँ? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो खान? पागल हो गए तुम क्या? कलीम साहब इस्लामाबाद नहीं, पावर ट्रैक के ऊपर चले जाओ। हाँ? साहब को मार दिया, ये क्या किया खान? मार दिया। वकील, तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? बहुत अच्छी तरह से। आप जैसे लोग क्यों और किस लिए बुलाते हैं? और तुम ये भी जानते हो तुम जैसे लोग क्यों और किस लिए आते हैं? खान साहब पहले मत बुझाओ, पॉइंट पे आओ। कलीम साहब के कत्ल को खुदकुशी में कैसे तब्दील करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इस काम की आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। आप तो जानते हैं खान साहब, आजकल के दौर में कौन अमीर नहीं बनना चाहता। बहुत समझदार हो वकील, लेकिन एक कांटा है जो हमारे आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत बनेगा। उसे कब और कैसे हटाना है ये तुम जानते हो। कौन सा कांटा, कैसा कांटा खान साहब? सुल्तान लापता है और लापता ही रहना चाहिए। पानी चाहिए, पानी पीना है। ले पी पी ले पी पी। हाहाहा।
पानी पीना है? लो पियो। खान, उस खुदा के अजाब से डर। पानी चाहिए, पानी। खान, खुदा की लाठी बेआवाज है, उस मासूम की बददुआ तुझे तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। और सुल्तान आएगा, आएगा, जरूर आएगा, फरिश्ता बनकर आएगा। अच्छा, सुल्तान आएगा और मुझ जैसे शैतान का खात्मा कर देगा। आएगा तो बाप की तरह मारा जाएगा। सुल्तान तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। या अल्लाह, इस शैतान को बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। या अल्लाह, या मुझे उठा ले या फिर इस शैतान को उठा ले। आज के बाद इसका खाना पीना बंद। वकील, हम इंडस हाईवे पे होटल बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जाओ पता करो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काफी खुश लग रहे हो। जितना तुम्हारी जिंदगी में दुख आते हैं उससे कहीं ज्यादा। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशी देना चाहता हूँ, तुम अपनी छोटी सी खुशी खान को दे दो, हाँ तुम्हें बहुत बड़ी खुशी देगा। कौन सी खुशी? खान को तुम्हारी जमीन चाहिए, खान आपको इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देगा। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें वापस जाने के लिए चार कंधों की जरूरत पड़े। खान ने कहा था बात करके आना वरना साइलेंट। बेटा क्या हुआ? बेटा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? लगता है इसकी याददाश्त चली गई है, पता नहीं इसका इस दुनिया में कोई है कि नहीं। मेरी छोटी सी दुनिया में एक छोटी सी खुशी मुझे और मिल गई है। आओ वकील आओ। खान साहब, ये गरीब बहुत जिद्दी होते हैं, जान चली जाए पर घमंड वही का वही होता है। ये पालतू कुत्ते हैं, दो वक्त की रोटी ना मिले तो भौंकना शुरू कर देते हैं। अब तो काटने भी लगे हैं खान साहब। क्या मतलब है वकील? मतलब साफ है खान साहब, आपका होटल नहीं बन सकता। ऐसा कौन सा पहाड़ हमारे रास्ते में खड़ा है जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचने दे रहा? इजा, आपकी जमीन के दरमियान एक छोटा सा टुकड़ा उस किसान इजाज का है और वो ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते। उसे ये जमीन देनी ही पड़ेगी।
लेकिन वो ये हरगिज नहीं देगा। उसे ये जमीन किसी भी कीमत पर मुझे देनी ही पड़ेगी। उसका इलाज है मेरे पास। गोली। क्या बात है बॉस, सलमान खान लग रहे हो। ये जैसा बनना है? हाँ, आप जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ। तो चल आजा। ओए तू तो बड़ा भारी है यार। कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। इजाज़ तू है रे? हाँ मैं ही हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये जमीन खान भाई को दे दे। खान भाई तुझे इस जमीन की अच्छी कीमत देगा। जमीन माँ होती है और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अपनी माँ का सौदा नहीं करता। अच्छा, जमीन माँ होती है? तुम जैसे हिजड़ों की कोई माँ नहीं होती। तुम जैसे कचरे के डब्बे में मिलते हैं और किसी खान जैसे लोगों की फेंकी हुई हड्डियों पर पलते हैं। तुम जैसों के गले में पट्टा डाल के रखते हैं। वो कहते हैं तो तुम भौंकते हो, वो कहते हैं तो तुम काटते हो, और तू वही खान के कुत्तों में से एक कुत्ता है। परसों पहले जो मेरे अंदर का शैतान सो गया, आज तूने
जफर, हमें खबर मिली है इजाज वाली जमीन पर कोई काम कर रहा है। जाओ पता करो कौन कम वक्त आ गया है। ये किसकी इजाजत से काम कर रहे हो? ये जमीन मेरी मलकियत है और मुझे यहाँ काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर सेठ की नजर पड़ती है वही जमीन सेठ की होती है। अपने जंगली गिद्धों को समझा कर रखो, मेरी जमीन के इर्द गिर्द आने की कोशिश ना करें। मेरी जमीन से जितना दूर रहेंगे उतना इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, आसमान को छूने की कोशिश मत कर। खान साहब, शायद आपकी नजर आसमान पर नहीं पड़ी। चांद हमेशा आसमान पर चमकता है, जमीन पर नहीं रेंगता। दो तीन बच्चों को मारकर हीरो बनने की कोशिश मत कर। हीरो तो मैं बन चुका हूँ खान, मगर तुम विलन बनने की कोशिश मत करो, जल जाओगे।
मुझे सुल्तान की लाश चाहिए, लाश। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब ये काम मेरा भाई नानू करेगा, नानू। नानू भाई, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचो। सफर कैसा रहा? काफी अच्छा था। चल बैठ के बात करते हैं। नानू, उस 6 फुट के लौंडे ने तेरे नाक में दम कर रखा है, मुझे उसकी लाश चाहिए। बेखबर अशु सुल्तान। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? तेरी जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जमीन की बात मत करना। तुम बिल्कुल पेट्रोल की तरह हो, दिखने में ठंडे और बोलने में गरम। मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, दूसरी बात सुनने के लिए तू नहीं होगा। अगर जमीन नहीं देनी तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। Thank you.
जमीन नहीं दूंगा, बड़े डायलॉग मार रहा था। वेल डन नानू, वेल डन। साला मेरे भाई को परेशान कर रहा था तू। छोटे बोल बड़े, कोई आया क्या? अभी तक कोई नहीं आया। अरे देख यार, भूत हैं सारे, आ जाएंगे। बड़े भूत एक शिकार, चल चल चल। सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। खोलो खोलो, लगता है आज आपने बड़ा हाथ मारा भैया। आइला, ये तो हमसे बड़ा भिखारी निकला यार। चलो चिकन खाते हैं। चलो चलो। सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी तो तुम्हारी निकलेगी बेटा। नए आए हो इंस्पेक्टर, खान आपको वेलकम कहता है। जो भी नया इंस्पेक्टर आता है खान के दरबार पर हाजिरी देने जरूर आता है। हाजिरी देने नहीं, आपको खबरदार करने आया हूँ। इसे मेरा मशवरा समझो या धमकी। नया जूता हमेशा पैर को काटता है, वक्त के साथ चलते चलते वो अपनी औकात पर आ जाता है। अपने सारे काले धंधे बंद कर दो या फिर ये शहर छोड़कर चले जाओ। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शहर में इंस्पेक्टर आजम खान आ गया है। इंस्पेक्टर, तेरे जैसे रोज खान के दरबार पर जूते साफ करने आते हैं। वो और होंगे जो तेरे तलवे चाटते होंगे। ये शहीदों की सरजमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। इंस्पेक्टर, तुझे मैं अपने कदमों पर ला कर दिखाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा।
अंकल रफीक तुम कौन हो? याद करो कलीम साहब को, मैं उसी का बेटा हूँ, सुल्तान। सुल्तान, तुम्हारी असालत का जिम्मेदार खान है, खान। और तुम्हारे बाप का कातिल भी खान है, खान। और मेरी असालत का जिम्मेदार भी खान है, खान। और मैं खान के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए तैयार। सुल्तान, इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अंकल रफीक, ये कौन है? इस फरिश्ते की वजह से आज तुम जिंदा हो। नहीं भाई, ये मेरा मिशन है, आपकी मेहरबानी। प्लीज सुल्तान, छोटा भाई होने के नाते प्लीज। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी खान है, खान है, खान। और तुम्हारे बाप का कातिल भी खान है, खान है, खान। और तुम्हारे बाप का कातिल भी खान है, खान है, खान। और तुम्हारे बाप का कातिल भी खान है, खान है, खान।
ओके, मुझे ये सौदा मंजूर है। वक्त आज रात ठीक 10 बजे, जगह पहलवान होटल। करें भाई, नानू छोटा मगरमच्छ कुएं में तो जी सकता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे एक नाले की जरूरत पड़ती है। हर बड़े से बड़े मगरमच्छ की ख्वाहिश होती है कि वो समंदर में जिए। छोटे छोटे गुनाह करते करते जिस मकाम पर मैं पहुंचना चाहता था पहुंच गया। अब उस मकाम पर हुकूमत करने का वक्त आ गया है भाई। ये डील कुछ दिनों के लिए आगे ही करनी पड़ेगी। क्या मतलब? इंस्पेक्टर आजम ज्यादा ही ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी फिक्र मत करो। सिपारी। सिपारी मैं खाता नहीं, सिपारी मैं लेता हूँ। नाम? नानू। काम? सफेद चीनी 1 किलो। कीमत? 1 किलो सोने के बराबर। यू आर अंडर अरेस्ट नानू। ये कौन है? ये इंस्पेक्टर आजम खान है, जिसके सर पर हर वक्त ईमानदारी का भूत सवार रहता है। हिलने की कोशिश मत करना वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने कहा था तेरे भाई को कि अपने सारे काले धंधे बंद कर दे या फिर ये शहर छोड़कर चला जाए। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहता था और आज वो दिन आ गया है। सर वो दोनों मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूंगा। आजम खान, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। तुम जैसे ईमानदार ऑफिसर इस शहर का कचरा साफ कर सकते हैं। शुक्रिया सर, मैं इस काम को बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू मेरे हाथ से बच निकला।
मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक है। मुझसे मिलने का अगर इतना ही शौक है तो अपने शौक को शौक से पूरा कर इंस्पेक्टर, लेकिन इतना याद रखना, मुझसे मिलने के बाद या तो तू इस दुनिया में नहीं होगा या फिर इस भर्ती में। मेरे मिलने के शौक को सिर्फ शौक मत समझना शेट्टी, तुम भी इतना याद रखना, मेरे मिलने के बाद या तो तू ये जुर्म की दुनिया छोड़ देगा या फिर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। हम हर खेल के शहनशाह खिलाड़ी हैं इंस्पेक्टर, खेल कैसे खेलना है अच्छे से जानते हैं। शेट्टी तेरा वास्ता खेल के कच्चे खिलाड़ियों से पड़ा होगा, कभी असली खिलाड़ी से नहीं। दुआ कर इंस्पेक्टर तुम्हारी और हमारी मुलाकात ना हो, जिस दिन मुलाकात हो गई तो बरसा खून की बरसेगी। ना बंदूक रखते हैं ना तलवार रखते हैं, जिगर और जिगर में जान रखते हैं। आए दम तो सामने है शेट्टी, छोटे मोटे दुश्मन तो हम आम रखते हैं। तुमने सीखी है किताबों में बदमाशियां इंस्पेक्टर, हमें तो ये विरासत में मिली है। शेट्टी मेरा इंतजार करना, खुदा हाफिज। ओ शब जी गजब हो गया। शब जी रफीक, वो शब जी ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? शब जी रफीक, वो शब जी इसका मतलब है वो साला अब तक हमसे नजरअंदाज रहा है। नानू, भाई का इकबाल बुलंद हो, अर्ज करे भाई आपके हुक्म की तामील होगी। नानू, वक्त जब आंखें फेर लेता है तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है, और ये वही कुत्ता है जो हमारे शिकंजे में बंद था। अगर वो अदालत पहुंच गया तो हमें अपनी सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। नानू, मुझे मेरा पालतू कुत्ता चाहिए, जिंदा या मुर्दा। भाई का इकबाल बुलंद हो, आपके हुक्म की तामील होगी, ये आपका पालतू जानवर आपके सामने होगा, जिंदा या मुर्दा। भाई साहब वो दिखाना। ये वाला नहीं, नहीं वो साइड वाला, साइड वाला। ये वाला नहीं, नहीं वो साइड वाला, वो वाला। ये वाला वो साइड वाला। ये वाला यार कुछ लेना है, ड्रामे करने आया मेरे साथ, चलो निकलो बाहर। जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। हाँ भाई, कौन सा चाहिए इनमें से तुम लोगों को? वो क्या है ना भाई साहब, हमारे जो बड़े भैया हैं अंधे हैं, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी उठा लेते अपना समझ के, है ना बड़े भैया? तुझे बोला था ना मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता, फिर मुझे शॉप पे ले आए तुम, कुछ भी उठा लेता हूँ अपना समझ के। भाई साहब गलती हो गई, अंधा समझ के माफ कर दो मुझे। एक मिनट, देखो भाई साहब मुझे मारा अपुन ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मेरे बड़े भाई को मारा तो अपुन से कंट्रोल नहीं होगा। मुझे मारा तो मारा, छोटे को मारने की कोशिश मत करना। देखो भाई साहब मुझे मारा, बड़े भैया को इतने प्यार से मारा, अब अगर बड़े भैया को मारा तो अपन भाग जाएगा। क्या हुआ बेबी? हेलो बॉन, हाउ आर यू? फाइन। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओके
How are you? खिलाफ गवाही देगा। मेरे भाई के खिलाफ गवाही देगा। मेरे भाई के खिलाफ गवाही देगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। भाई किधर शट्टी आया है? आने दो उसे। ओके, भेज दो उसे। अब हमारे भी जो मौत से खेलते हैं ब्रदर, उन्हें खतरों से होशियार रहना पड़ता है। लगता है खान साहब आपका पानी के साथ कुछ खास ही रिश्ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती। क्यों ना खान साहब, हमारा रिश्ता भी मछली और पानी की तरह मजबूत बन जाए। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है शेट्टी। खान साहब, ये इंस्पेक्टर आजम। ए, संभल के।
भाई आप बोलो तो ठोक दू साले को। ये इंस्पेक्टर हाथ धो के पीछे पड़ गया भाई। वो साला इस दुनिया में अकेला तो नहीं आया होगा, ढूंढो उसकी कोई तो कमजोरी होगी। ओके भाई। चड़ यार, पता है इंस्पेक्टर, तुझे गोली चलाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। सर, मे आई शूट हिम? लेकिन मुझे इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा शुक्र करो वकील बाबू, हमें गोली चलाने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, वरना तेरे जैसे सलाखों के पीछे नहीं कब्रिस्तान में होते। कब्रिस्तान की बात सुनकर मुझे तुमसे डर लगने लगा। ए इंस्पेक्टर, कोई आइडिया देना, मुझे तुमसे डर न लगे, प्लीज हेल्प करना। तुम दुनिया को जुल्म से भरना चाहते हो और हम अमन के राही हैं। तुम किराए के कातिल हो और हम अल्लाह की रजा में बगैर किसी मुआवजे के जहाद करते हैं। तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो और हम इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं। तुम बंदूक से डरते हो और हम अल्लाह से डरते हैं। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हम से डरती है। क्या यार, तू भी ना महमू है, पाकिस्तान को लेके बैठ गया है। पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है? बगैर रिश्वत के ना नौकरी मिलती है, बगैर रिश्वत के ना कोई काम होता है, और हमें जीने के लिए ये कदम उठाना पड़ता है। तुम पुराने जमाने में जी रहे हो इंस्पेक्टर, नए जमाने में जियो और खुश रहो। तुम जैसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं।
अब तो इंस्पेक्टर की लाश को कछुए भी खा चुके होंगे वकील। अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। हमारी कामयाबी के रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर दो। काटता भी है सोने दे। अरबाज, अब खान की बर्बादी का वक्त आ गया है। खान की बरूद से भरी 5 फैक्ट्रियां हैं जहां हर रोज मौत का कारोबार होता है। ना जाने कई मासूमों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। इस बरूद से ना जाने और कई मासूमों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। इस काम को बढ़ाने के लिए खान ने चाइना से एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो हर रोज मौत का खेल खेलता है, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शान बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले बॉन्ड मौत के इस कारोबार को बढ़ावा दे, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरबाज बनकर नहीं, सुल्तान बनकर। सुल्तान, हम तुम्हारा वेट कर रहा है। हमने सुना है तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है, आज हम भी तुम्हारा गर्मी देख लेगा। सुल्तान को देखने के लिए इतना बेताब हो चाइनीज बाबू? हम तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके चाइना के कुत्तों को खिलाएगा। जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं वो सुल्तान के टुकड़े क्या करेगा? आज हम तुम्हें ऐसी मौत देगा कि दोबारा जिंदा होने वाला तुम्हारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हम
हेलो व्हाट मैंने कहा था सुल्तान को एक नया शिकारी आया है, या तो ये शहर छोड़ दे या फिर जीना। जीना भी चाहता था, शहर भी नहीं छोड़ना चाहता था। खान साहब, आपका शिकार आपके सामने है। एक तेरा बाप था जिसने दौलत की खातिर अपनी जान दे दी थी, और एक तू है जो अपने बाप की खातिर अपनी जान दे रहा है। जिसकी जिंदगी हमारे हाथ में आ जाती है, हम उसे डिफरेंट मौत देते हैं। ये मुझे नहीं होगा। नहीं सुल्तान, तुझे अपने बाप के कातिलों से बदला लेना। तूने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं तेरी जिंदगी कैसे ले लूं? दोस्त, अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो खान मुझे मार देगा। नहीं दोस्त, बदले की आग में दोस्ती कुर्बान नहीं कर सकता। एक दिन मरना तो है, शैतान के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं अपने दोस्त के हाथों मर जाऊं। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं सुल्तान, मेरी जिंदगी का मकसद था तुम्हारा मकसद पूरा करना। नहीं, और मुझसे वादा करो दोस्त, तुम ये मकसद पूरा करोगे। मार दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। मार दो सुल्तान। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। मार दो सुल्तान। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। मार दो सुल्तान। नहीं शटी, शूट हिम।
शूटिंग शूट। बस ये है मेरी कहानी। और मेरे जीने का मकसद है सिर्फ खान की मौत। जब तक मैं खान को मौत की नींद नहीं सुला देता तब तक मुझे मौत भी हाथ नहीं लगा सकती। I'm sorry, सुल्तान, मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन इस जंग में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। चाहे मुझे मौत भी क्यों ना आ जाए। हाँ सुल्तान। नहीं किरण, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, इसे सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। लेकिन सुल्तान प्लीज। किरण, I love you, I love you, I love you, I love you. अब मुझे एहसास हुआ है आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए रोका है। हमारा रास्ता हमारी मंजिल को ही और है। जिस रास्ते पे नानू खड़ा हो जाता है वो नानू की मंजिल होती है। हमारी मंजिल की कोई सरहद नहीं है। मेरी सरहद तुम हो, तुम। हमने कहा हमारा रास्ता छोड़ दो।
ये रास्ता नहीं छोड़ सकता। Shut up, तमीज। नानू को थप्पड़ मारेगी, नानू को।
आगे मत बढ़ना। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ आगे मत बढ़ना खुदा के लिए। ये क्या हुआ नानू? भागो 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 भागो। किरण 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 जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो खान? अपने भाई की मौत देखकर तुम भी मौत के मुंह में आ गए। मौत तो मैं तुझे दूंगा, आज ऐसी मौत दूंगा कि तेरा चेहरा देखने वाले की रूह तक कांप उठेगी। लगता है इजराइल तेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। इजराइल आया जरूर है लेकिन मेरे लिए नहीं तेरे लिए। चल अब बातें बंद कर काम शुरू कर, इजराइल तेरा इंतजार कर रहा है।
औकात नजर मिलाने की नहीं और बात दुनिया से मिटाने की करते हो। अपना कहने वाला तो देख ही था। छोड़ मेरे भाई को खान खान नहीं खान नहीं मेरे भाई को छोड़ दे खान नहीं खान खान छोड़ दे नहीं नहीं छोड़ दे छोड़ मेरे भाई को छोड़ दे मेरे भाई को आजम फिर से वो भी मेरे सामने। तू ये क्यों भूल गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
तैयारी करके आए हो? Relax. Thank you.
मिराज, केस इज ओवर। मुझे मालूम है जिस मुजरिम की फाइल मैंने बनाई थी वो शट्टी था, लेकिन तू सुल्तान है, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तवक्को करूंगा कि तू बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। क्या सच्ची?